वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर सियासी घमासान तेज हो गया है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूरे मसले को लेकर रिपोर्ट मांग ली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर सियासी घमासान जोरों पर है। पूरे मामले पर अब गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से उस हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जो हावड़ा से लेकर हुगली तक हुई है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो समूहों के बीच बड़ी हिंसा भड़की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ममता सरकार उपद्रवियों को संरक्षण दे रही है। बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल सीबी आनंद बोस से भी मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी रिछड़ा हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस मामले पर मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और हिणमय भट्टाचार्य की संघपीठ ने खंडपीठ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल हिंसा पर एनआईए जांच की मांग भी उठाई।